नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 11 जून 2013 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर महात्मा गांधी को हम समझ लें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के जो जवाब विश्व तलाश रहा है वो गांधी की हर बात से मिल जाते हैं और आज भी परिणाम देने की ताकत रखते हैं। मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं, महात्मा गांधी का आर्थिक चिंतन आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना महात्मा गांधी मौजूद थे तब था। यह विश्वास हमारे में होना चाहिए और महात्मा गांधी की हर बात को अगर हम देखेंगे और खास करके ग्रामीण अर्थतंत्र के संबंध में देखेंगे तो हमें आने वाले कुछ सालों तक तो, कुछ दशकों तक तो समृद्धि की ओर जाने के नए रास्ते तलाशने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक विश्वास होना चाहिए। लेकिन जिनके भीतर खुद पर भरोसा नहीं होता है, खुद पे विश्वास नहीं होता है, वो औरों को भरोसा क्या दे सकते हैं। आज भी हम गांव में जाएं, वहां की बातचीत का दायरा क्या होता है? वर्षा, बारिश कब आएगी, प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, कैसी होगी, खेत खलिहान पेड़ पौधे, कितना आत्मीय संबंध होता है उसका प्रकृति के साथ। और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जब जूझ रहा है, अगर गांधी को हम समझ लें तो ग्लोबल वार्मिंग के भी सारे जवाब, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के सारे जवाब गांधी की हर बात से मिल जाते हैं जो विश्व तलाश रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमें वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करते हुए, गांधी कभी विज्ञान के विरोधी नहीं थे, गांधी कभी आधुनिकता के विरोधी नहीं थे, गांधी कभी परिवर्तन के विरोधी नहीं थे। और इसलिए उस महापुरुष ने ग्रामीण विकास के लिए हम लोगों का जो मार्गदर्शन किया है वो आज भी उतना सशक्त है, उतना सामर्थ्यवान है और परिणाम देने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन उसकी पहली शर्त होती है उन बातों पर हमारी आस्था हो, हमारा भरोसा हो। लेकिन अगर नीति निर्धारक ही पता नहीं कहां से कहां चल पड़े हैं तो आप लोगों का क्या होगा, मेरे देश के किसानों का क्या होगा, मेरे देश के गांवों का क्या होगा, उन गरीब अबोल पशुओं का क्या होगा। मित्रों, चिंता सताती है। मित्रों, हमारे देश में मनुष्य के लिए भी हेल्थ कार्ड ये अभी तो दूर का सपना दिखता है। पता नहीं इंसान के लिए हेल्थ कार्ड कब बनेगा, उस हेल्थ कार्ड से उसको सेवाएं कब मिलेगी, वो आरोग्य प्राप्त क्या करेगा। कई नए नए विचार आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, ये विषय अभी फाइलों में चल ही रहा है। मित्रों, आज मुझे गर्व से कहना है कि हमने एक बीड़ा उठाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर किसानों के पास जो पशु हैं, पशुपालक के जो पशु हैं, उन सबका हम हेल्थ कार्ड बनाएं। और हम लगातार मॉनिटर करें, अगर हम चाहें
कि पशु के आरोग्य की परवाह न करे, जब तक देता रहे दूध निकालते चले, मर जाए तो फिर वो जाने, उसका नसीब जाने। तो मित्र स्थितियां बदलती नहीं है। और पशुपालक अपना बेटा बीमार हो तो पैसे खर्च करने के लिए चार बार सोचेगा, लेकिन अगर पशु बीमार हो तो कर्ज करके भी उसको संभालने के लिए तैयार होता है, इतना वो पशु को प्यार करता है। मित्रों, ये जो उसके उसके संस्कारों में है, वो एक हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। उस पूंजी को कैसे आगे लगाया जाए? भाइयों बहनों, हमने पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में पशु आरोग्य मेला ये अभियान चलाया है। हजारों की तादाद में हमने पशु आरोग्य मेले किए हैं। हमारे देश में भूतकाल में मेले लगते थे, लेकिन वो मेले वोट बैंक की राजनीति के लिए लगते थे। कर्ज माफ करने का मेला लगता था, किसानों को कर्ज देने का मेला लगता था, क्योंकि देने वाले को मालूम था कि इससे वोट आने वाला है। मित्रों, वोट के पीछे पागल लोगों ने पता नहीं प्रायोरिटी बदल दी। मित्रों, हम उनकी सेवा करते हैं जो कभी वोट देने जाने वाले नहीं है। पशु को वोट का अधिकार नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को बदलना है तो उस पशु की भी सेवा करनी होगी, तब जाकर के देश का भला होगा। भले उसको वोट का अधिकार ना हो या हो, हमारे लिए आवश्यक है। मित्रों, हजारों की तादाद में पशु आरोग्य मेला करते हैं और यह भी केयर करते हैं कि किसी पशु को 3 किलोमीटर से ज्यादा चला करके ले जाना न पड़े। और आधुनिक से आधुनिक पशु आरोग्य की चिंता करते हैं। पिछले दिनों हमने हमारे डॉक्टरों को अमेरिका स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा। वो मित्र यहां आए हुए हैं, वो आपको सारी बातें बताएंगे। किस विषय में? कि पशु के सर्जरी के क्षेत्र में कौन सी आधुनिक टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और हिंदुस्तान में गुजरात के वेटरनरी डॉक्टर पहले हैं जिनको इस प्रकार की ट्रेनिंग करने का हमने प्रयास किया और आज हमने उसको लागू किया। मित्रों, आज भी हिंदुस्तान के अनेक जिले ऐसे होंगे जिन जिलों में लेसर टेक्निक से, जिसमें रक्त नहीं बहता है लेकिन ऑपरेशन हो जाता है, वो टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए भी हिंदुस्तान के कई जिलों में नहीं होगी। मित्रों, गुजरात में हम लोग कोशिश करते हैं कि पशु का ऑपरेशन बिना रक्त बहे लेसर टेक्नोलॉजी से कैसे हो, और हम उसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मित्रों, पशु के आरोग्य की जब चिंता करते हैं तब हमारे यहां आज भी कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहां मनुष्य के नेत्रमणि के ऑपरेशन के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ कैंप लगाते हैं। अनेक अनेक राज्यों से वहां डॉक्टर सेवा के लिए जाते हैं। हमारे यहां मेरे गांव में ही हमारे डॉक्टर द्वारकादास जोशी, डॉक्टर वसंत भाई परीख, डॉक्टर मिहिर जोशी, ये बहुत ही डेडिकेटेड रहे। वो हिंदुस्तान के गरीब गरीब राज्यों में जाते थे, नेत्र यज्ञ लगाते थे और लोगों के कैटरेक्ट ऑपरेशन का काम करते थे, सालों तक करते थे, डॉक्टरों को सेवा के लिए ले जाते थे। हिंदुस्तान में आज भी कई ऐसे नागरिक होंगे जिनकी आंखों में दिखना बंद हो गया होगा, लेकिन बेचारे को कैटरेक्ट ऑपरेशन नसीब नहीं हुआ होगा। मित्रों, दर्द होता है जब ये सुनते हैं, जानते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद इंसान को भी इतनी पीड़ा। मित्रों, ये दर्द एक बात है, लेकिन हमने गुजरात में एक प्रयोग किया और भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, आनंद भी होगा, आश्चर्य भी होगा। गुजरात एक प्रदेश ऐसा है
कि जहां पशु के भी नेत्रमणि का ऑपरेशन होता है, कैटल का कैटरेक ऑपरेशन होता है, हम उसके कैटरेक का ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी हमें पशु बीमार होता है, खाना देते तो खाता नहीं है, धीरे धीरे दूध कम हो जाता है, हम छोटे मोटे प्रयोग करते हैं, कुछ खा लें, लेकिन पता तक नहीं होता है कि कहीं उसके दांतों में दर्द हो रहा है। मित्रों, जैसे हमें दर्द होता है, हमें दांत में पीड़ा होती है, उस कैटल को भी दांत में पीड़ा होती है। और जब दांत में पीड़ा होती है तो उसकी पूरी दिनचर्या चरमरा जाती है। गुजरात में मित्रों, जब हम कैटल कैंप करते हैं तो हमारे पशुओं की हम डेंटल ट्रीटमेंट भी करते हैं, हमारे वेटरनरी डॉक्टरों को डेंटिस्ट के नाते भी काम करते हैं, उसके लिए हमने औजार खरीदे हैं, साधन लाए हैं, और उसके कारण मित्रों पशु को के आरोग्य की छोटी छोटी चीजों को कैसे संभाला जाए उस पर हम बल देते हैं, और उसका एक परिणाम भी होता है। और दूसरा, इस बार हम जब पशु आरोग्य मेला करते थे तो हमने एक और विषय सोचा, क्योंकि आपने देखा होगा हर गांव में दो चार पशु ऐसे होते हैं जिनको चलने की दिक्कत होती है, इनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होता है, हड्डी टूट गई है कहीं कोई, और उसके कारण, और फिर वो मालिक है मार करके दौड़ाता है, बात बनती नहीं, कोई तो उसकी चिंता करे। भाइयों बहनों, इस बार हमने जब पशु आरोग्य मेला लगाया तो उस पशु आरोग्य मेला में हम लोगों ने सारे पशुओं के जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम थे उसको हमने प्रायोरिटी दी। और जैसे आपकी हड्डी टूट जाए हाथ की और उसमें स्टील का प्लेट लगाते हैं डॉक्टर, मित्रों हम पशुओं को स्टील का प्लेट लगा करते हैं और उनको 6 महीने के अंदर चलते फिरते करने का संकल्प करके हम इन दिनों काम कर रहे हैं। मित्रों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार बनाने का काम, सरकार मतलब क्या, एक्ट बनाना, वो दिन रात यही कहते हमने यही एक्ट बनाया, यही एक्ट बनाए, देश को एक्शन चाहिए, एक्ट तो बहुत बनाए। और भाइयों बहनों, एक पशु के संबंध में इतनी संवेदन जबशील सरकार होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। मित्रों, आम तौर पर हमारे जीवन में भी अगर ज्यादा बाढ़ आ गई, ज्यादा ठंड आ गई, ज्यादा धूप हो गई, ज्यादा बाहर रहना, तो हम भी बीमार हो जाते हैं, छोटी मोटी कोई न कोई बीमारी हमें लग जाती है। मित्रों, ये कठिनाई पशु को भी होती है, अगर बहुत दिन बारिश रही, पशु को पानी में रहना पड़ा तो कोई न कोई बीमारी आ जाती है। मित्रों, इस पशु आरोग्य मेला लगातार करने के कारण, एक एक पशु को 10-10 साल तक लगातार फॉलोअप करने के कारण, आज मित्रों मैं बड़े गर्व और आनंद के साथ कह सकता हूं, और जीव दया का उत्तम काम इसको मैं कह सकता हूं, कि 122 डिसीज, 122 रोग इस लगातार केयर करने के कारण हमारे गुजरात में पशुओं को इन 122 रोगों से हमने पूर्णतया मुक्ति पाने में सफलता पाई है। अगर 122 डिसीज टोटली इरेडिकेट हो जाते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पशु के स्वास्थ्य को कितना लाभ हुआ होता हो। और उसके कारण हमारे कैटल्स, उनको उनका स्वास्थ्य ठीक होने का सीधा परिणाम हमें दूध में मिला है। मित्रों, हिंदुस्तान का, जैसे हमारे बाबू भाई बोखरिया बता रहे थे कि पूरे भारत का मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ सिर्फ 5% है, गुजरात इज एक्सेप्शनल केस जहां 7% है। ये बहुत बड़ा होता है मित्रों, बहुत बड़ा होता है। इतना ही नहीं मित्रों, पिछले 8-9 साल में ये लगातार मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा है। और इन दिनों हमारे मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज करीब करीब 65% से ऊपर गया है, 65% से ऊपर इंक्रीज हुआ है। मित्रों, ये पैसा सीधा सीधा गांव में जाता है, किसान के घर में जाता है,